नमस्कार दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है आज हम एफ आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करने वाला है आज हम जानेंगे इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के बारे में अगर देखें तो कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और ये सपूरजी पलौन्जी ग्रुप का पार्ट है कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किए हैं लाइक अटल टनल है और इन्होंने मुंबई मेट्रो आपका चेन्नई मेट्रो कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो इन सब में काफ़ी अच्छा काम किया है और कंपनी का तकरीबन देखें देखिए तीस परसेंट के आसपास का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है मालदीव में भी इन्होंने एक पोर्ट डेवलप किया था तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है ऑर्डर बुक की बात करें अभी तकरीबन चालीस हज़ार करोड़ के इनके पास सितंबर तीस तक ऑर्डर बुक है कंपनी जो आईपीओ लॉन्च किया है वो देखिए चार से चार के बैंड प्राइस पे लॉन्च किया है इन्वेस्टर बत्तीस शेयर के एक लॉट में बिड कर सकते हैं अब अगर कंपनी के बारे में देखे देखिए नाइनटीन की कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है तकरीबन अभी देखिए कंपनी के छिहत्तर प्रोजेक्ट हैं पंद्रह कंट्रीज़ में और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तकरीबन पाँच अरब रुपए के 522 अरब रुपए के इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं तो कंपनी देखिए बिजनेस काफ़ी अच्छा है कंपनी की प्रेजेंस ग्लोबली काफ़ी अच्छी है अगर अभी की बात करें तो 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं इनके तेरह कंट्रीज़ में तो ये काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक्स इनकी दिखाई देती है और दूसरी चीज़ है कि इनका काफ़ी प्रोफेशनल जो है इनका मैनेजमेंट है और कंपनी क्योंकि एक बड़े ग्रुप का पार्ट है शपुर जी पे ग्रुप तो कंपनी काफ़ी स्टेबल है प्रेजेंस भी इस कंपनी की एशिया अफ्रीका मिडल ईस्ट सब जगह है तो एक ग्लोबली प्रेजेंटेड कंपनी है अगर आप एक कंपनी के आईपीओ की बात करें तो देखिए 25 अक्टूबर से उनतीस अक्टूबर तक इसका आईपीओ खुला है फेस वैल्यू दस रुपये पर शेयर प्राइस बैंड जो है 440 से चार का है आपको एक लॉट मिलेगा बत्तीस शेयर का अगर ओपन की बात करें तो 25 तारीख को ओपन हुआ था कल मंडे को मंगलवार को ये क्लोज़ हो जाएगा और जो है 30 अक्टूबर को ये अलॉटमेंट का आ जाएगा और आपके खाते में शेयर आएंगे तकरीबन तो इकतीस अक्टूबर को लिस्टिंग होगी इनकी मंडे चार तारीख को तो चार तारीख को आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट आफ्टर दिवाली अगर रिटेल के लिए कहें तो एक लॉट बत्तीस रुपये का है चौदह हज़ार आठ सौ सोलह करोड़ सोलह हजार चौदह हज़ार आठ सौ सोलह रुपये का लॉट है रिटेल के लिए मैक्सिमम जो है तेरह लॉट है और एक लाख बयानवे हज़ार रुपये आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं टोटल लॉट इशू का साइज़ बोले तो पाँच हज़ार चार सौ तीस करोड़ है इसमें फ्रेश जो है तकरीबन बारह सौ पचास करोड़ है ऑफर फॉर सेल यानी कि जिन लोगों की ऑलरेडी कंपनी में हिस्सेदारी हो अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रहे हैं वो तकरीबन चार हज़ार एक सौ अस्सी करोड़ के तो सिर्फ अब देखिए फ्रेश जो है एक बारह सौ पचास करोड़ ही कंपनी के पास जाएंगे और इन पैसों को कंपनी कैसे लगाएगी तो देखिए इसका 80 परसेंट कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि मशीनें वगैरह खरीदने में खर्च करेगी बाकी अपनी वर्किंग जो डे टू डे ऑपरेशन है उनके लिए 25 परसेंट खर्च होगा डेट जो है कंपनी 48 परसेंट जो है अमाउंट का डेट को रिड्यूस करने में लगाएगी और जनरल कॉरपोरेट जो है उसके लिए ट्वेंटी है तो मेजरली कहें तो डेट को ख़त्म करने के लिए कंपनी जो है फ़ंड उठा रही है अगर इन्वेस्टर की बात करें तो क्यू uh, आई जो है फिफ्टी है रिटेल के लिए कोटा पैंतीस परसेंट है और जो एच एन आई है उनके लिए पंद्रह परसेंट का कोटा है अभी कंपनी के फाइनेंशियल असेट देखिए देखिए कंपनी का जो है टोटल असेट साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है देखिए लास्ट मार्च 2023 में इनका 410 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अभी 450 है एकदम एक्सट्रीम जंप नहीं है प्रॉफिट में लेकिन स्टेडली बढ़ रहा है और सारी ही चीज़ें इनकी धीरे धीरे रेवेन्यू भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो स्टेडी ग्रोथ है कंपनी की अगर कंपनी के कर्जे की बात करें तो देखिए कर्जा जो है इनका अभी कम हुआ है देखिए जून में इनका तीन हज़ार करोड़ का था देन उसके बाद घटके चौबीस सौ करोड़ का हुआ है आगे जो बड़ा है तो अगर आप देखें यहाँ पे पंद्रह 1500... सौ पचपन करोड़ पंद्रह सौ बासठ करोड़ चौबीस सौ पचपन और तीन हज़ार तीन सौ पैसठ तो यानी कि कर्जा कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है असेट्स भी देखिए कंपनी के बढ़ रहे हैं बारह हज़ार करोड़ से चौदह सोलह सत्रह हज़ार करोड़ रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन ऐसा कोई एक्सट्रीम जंप आपको देखने में मिलेगा नहीं और थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू में अभी मिसमैच है बिकॉज अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉफिट अगर अभी देखें इस फाइनेंशियल क्वार्टर का तो पहले क्वार्टर का इक्यानवे करोड़ है प्रॉफिट में भी आपको धीरे धीरे ग्रोथ ही देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी कहें कंपनी की तो कंपिटेटर के बराबर ही है सिर्फ रिटर्न जो है कंपनी ने तकरीबन ढाई परसेंट का दिया है तो ऐसा कोई अट्रैक्टिव रिटर्न है नहीं कंपनी का अभी तक अगर इन कम्पिटेटर की बात करें तो पी ई रेशो कंपनी का देखें तो पी ई रेशो कंपनी जो एवरेज है इंडस्ट्री का उसके आसपास पास ही है तो कंपनी हम ये नहीं कह सकते कि महंगा शेयर है या महंगी वैल्यू है पी बी वी रेशो भी इनका कंपनी के स्टैंडर्ड ही के बराबर ही है साढ़े चार पाँच के आसपास कंपिटेटर्स के बराबर ही है वहीं अगर हम प्रोज एड कॉन्स देखें तो देखे देखे प्रोज़ में तो यह है कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है एक्सपीरियंस कंपनी है मैनेजमेंट काफ़ी प्रोफेशनल है और एक अच्छे ग्रुप का पार्ट है कॉन्स की बात करें तो देखिए जो वीकनेस है कंपनी में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मोस्टली होते हैं बट जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दे रही है तो कंपनी आने वाले मीडियम टर्म्स में तो काफ़ी अच्छा करेगी बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कम्पटिटिव है क्योंकि नए नए प्लेयर्स इसमें एंटर हो रहे हैं तो ये भी एक कारण है और चाइनीज़ कम जो बिज़नेस है उनसे काफ़ी ज़्यादा अभी तो देखिए इंडिया की रिलेशनशिप चाइना के साथ थोड़े बेकार हैं तो इस कारण कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं बट जब चाइनीज़ कंपनियां मार्केट में आएंगी अगर फ्यूचर में इंडिया के रिलेशन अच्छे होते हैं चाइना के साथ तो माइट भी कंपनी के बिज़नेस पर इंपैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट्स कंपनी के काफ़ी पेंडिंग है तो ये भी एक चिंता की बात है अगर जी की बात करें तो देखिए जी कंपनी का घटता ही जा रहा है पैंतालीस पे था फिर पिछहत्तर हुआ फिर साठ रुपये हुआ फिर पंद्रह रुपये हुआ पच्चीस तारीख को फिर उन्नीस रुपये तो अभी बीस रुपये का प्रीमियम है आपको ऐसा कोई ज़्यादा अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं चार सौ तेरह सौ बैंड प्राइस है बीस रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा तो ऐसा कोई बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा कंपनी को और यही कारण है कि इसकी वैल्यूशन थोड़ी कम होती तकरीबन चार तीन सौ पचास से चार सौ के आसपास होती तो यूज़र को अच्छा खासा जो है आपको पचास से सौ रुपये का गेन देखने को मिलता बट अभी आपको बीस रुपये पर शेयर ही गेन देखने को मिलेगा तो फाइनल कंक्लूजन ये है देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है इशू भी इसका जो है अभी फुली सब्सक्राइब है लगभग वैल्यूएशन ओके ओके है ऐसा कोई खास नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा आप स्टॉक रख सकते हैं मीडियम टर्म्स के लिए लेकिन ऐसा कोई इसमें आपको कोई बंपर रिटर्न नहीं मिलने वाले तो और लिस्टिंग गेन भी आपको ऐसा उतना कोई खास नहीं मिलेगा धन्यवाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका दिन शुभ रहेगा